ये माँ जो शब्द है ना दोस्तों, सच बता रहा हूं, आप सारे कमेंट अपने रोक दो केवल दो मिनट के लिए। क्या केवल दो मिनट के लिए सारे कमेंट को रोक दो, क्योंकि जो ये शब्द है ना, ये शब्द ही अपने आप में मोटिवेशन है। क्या ये शब्द मोटिवेशन है? इसका जो चेहरा है दोस्तों, वो अपने आप में मोटिवेशन है, क्योंकि असल में दोस्तों जिसने हमें सबसे अधिक जाना है, जिसने पूरी दुनिया से 9 महीने अधिक दोस्तों हमें जानती है, वो है हमारी माँ। क्या वो है हमारी माँ दोस्तों? 9 महीने अधिक जानती है पूरी दुनिया से हमें। और भाई साहब, आप है ना कितनी भी गलती कर लेना, लेकिन दोस्तों हमेशा पड़ोसी से लड़ती है हमारे लिए, वो है हमारी माँ। दोस्तों पिताजी जो है वो तो अपन को ही ठोकते हैं, चाहे अपनी गलती हो चाहे नहीं हो, लेकिन ये दोस्तों, ये मतलब कि चाहे कितनी भी बड़ी गलती हमारी हो, लेकिन दोस्तों पड़ोसी से लड़ने वाली योद्धा कौन है? वो है हमारी माँ। दोस्तों आप चाहे कितना भी खा पी कर मोटे हो जाना, लेकिन दोस्तों घर पहुंचते ही ये बोलेगी तुम्हारे सामने कि तू पतला हो गया, क्या कुछ खाता पीता नहीं है, हॉस्टल में कुछ खाने को नहीं मिलता? ये है दोस्तों माँ। क्या ये है वो माँ? आपके छोटी सी चोट लगने दो दोस्तों, फिर देखना सबसे अधिक कोई रोता है, किसी का दिल रोता है, तो वो है तुम्हारी माँ। क्या वो है माँ दोस्तों? जिंदगी में कुछ भी करना, क्या हमेशा बोलता हूं आपको, बस इस शब्द को धोखा मत देना, इसकी लाज रखना। क्या इसकी लाज रखना दोस्तों? इस शब्द का धोखा मत देना। दोस्तों जिनके पास आज ये नहीं है ना, उनसे पूछ कर देखो इसकी असल में कीमत क्या है। क्या असल में कीमत क्या है दोस्तों? ये पूरी जिंदगी है। क्या ये एक शब्द नहीं, ये पूरी जिंदगी है मेरे दोस्तों। इससे बड़ा शब्द ना तो है इस दुनिया में, इससे बड़ा मोटिवेशन कोई कर नहीं सकता। जिसके दिमाग में ये शब्द है, जिसके सामने ये शब्द है, उसके सामने कोई भी समस्या बड़ी नहीं है। तो एक दिन दोस्तों इसको, किसको? जो माँ है इसे दोस्तों, जब जिस दिन तुम वर्दी पहनकर आओगे ना, जिस दिन तुम्हारे कंधों पर सितारे होंगे, जिस दिन तुम्हारे सिर पर टोपी होगी, जिस दिन दोस्तों तुम्हारे सामने, तुम्हारे साथ में सरकारी पद होगा, जिस दिन तुम सफल बन जाओगे दोस्तों, उस दिन देखना सबसे अधिक जो खुशी है वो इसके चेहरे पर होने वाली है। और हाँ रसगुल्लो, बिना किसी स्वार्थ के प्यार करने वाला एकमात्र प्राणी इस दुनिया में वो है दोस्तों माँ। क्या ये कभी नहीं पूछती तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, तूने कितनी पढ़ाई की, तेरे टेस्ट में कितने नंबर आए, इसे कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। इसे एक बात से लेना देना है, तूने आज क्या खाया, क्या तूने आज क्या खाया, तूने ये वाला काम किया नहीं किया, तू नहाया नहीं नहाया दोस्तों, इसे मुझसे पूछती है ना, तो तूने आज क्या खाया। केवल इसको एक चीज की चिंता है कि हाँ इसके बच्चे ने कुछ खाया या नहीं खाया, और इसे कोई मतलब नहीं है। तो मेरे दोस्तों ये शब्द ही अपने आप में मोटिवेशन है। केवल देखिए, मेरा काम केवल पढ़ाना नहीं है मेरे जान, मेरा काम है आपके अंदर सच में उस चीज को जगाऊं मैं आपके अंदर, जो सच में आपके लिए मोटिवेशन बन सकती है। मैं यहाँ पर दोस्तों 6 महीने खड़े होकर मोटिवेट कर लूंगा, 1 साल कर लूंगा दोस्तों, इससे अधिक थोड़ी खड़ा रहूंगा मैं यहाँ पर, लेकिन ये जो शब्द है ना वो हमेशा आपके सामने खड़ा होगा, हमेशा आपके साथ होगा। तो इसलिए इसे मोटिवेशन बनाना, और आज दोस्तों अपनी माँ के लिए एक पेज लिखना, क्या एक पेज अपनी माँ के लिए लिखना, और जिस दिन तुम सेलेक्ट हो जाओ उस पेज को दोस्तों अपनी माँ को देना, और उससे कहना कि ये वादा मैंने उस दिन कर लिया था जिस दिन मैंने ठान के बैठ गया था कि मुझे कुछ करना है। तो एक पेज अपनी माँ के लिए लिख लेना दोस्तों आज सभी आप, 5 मिनट का समय निकालना। इसने 9 महीने निकाले हैं तुम्हारे लिए, क्या 9 महीने निकाले हैं, इसके लिए 5 मिनट निकालना, एक पेज इसके बारे में लिखना दोस्तों, और उस पेज को लिखकर अपने पास रखना। क्या देना मत दोस्तों, अपने पास रखना, जिस दिन तुम सेलेक्ट हो जाओ उस पेज को पढ़ के सुनाना दोस्तों, वो जो खुशी का आंसू होगा ना उस दिन, असल में तुम्हारी जो मेहनत है उसका सही हकदार वो आंसू होगा जो तुम्हारे सिलेक्शन पर आने वाला है। सच बता रहा हूं, उस दिन देखना दोस्तों तुम्हारा दिल इतना हल्का होगा, सच में तुम्हें लगेगा कि आज जो मेहनत की है उसका सही परिणाम आज आया है। तो दिल खोल के दोस्तों आज एक पेज
अपनी माँ के लिए लिख लेना, सुदर्शन चक्र वाली माँ के लिए लिख लेना, जिसकी चप्पलें खाके दोस्तों हम बड़े हुए, क्या जिसकी चप्पलें खाके हम बड़े हुए, चप्पल भी मारती है दोस्तों, फिर प्यार करती है, फिर दोबारा मारती है। ये गजब का हथियार है भाई साहब, किसका, माँ का गजब का हथियार है। दो बार मारने वाली योद्धा है दोस्तों कौन, माँ। ये है आपके सामने माँ। तो आप सभी को दोस्तों, देखिए कुछ लोग हैं जिनके पास शायद ये नहीं है मेरे दोस्तों, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ये शब्द तुम्हारे साथ है हमेशा, ये इंसान तुम्हारे साथ है, चाहे यहाँ पर है दोस्तों, चाहे कहीं पर भी है इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, कहीं पर भी है। तुम्हारे ऊपर अगर किसी को घमंड है ना, तो वो ये है तुम्हारी माँ, क्या इसे हमेशा तुम्हारे ऊपर घमंड होगा। इसलिए इस शब्द की लाज रखना हमेशा दोस्तों, इसके लिए पढ़ना, इसको बड़ा बड़ा अपने सामने लगा देना। फिर कह रहा हूं, इसको देखते ही तुम्हारे अंदर तुम्हारा खून दोस्तों उबालेगा, तुम्हारे खून में ध्यान रखना उबाल आएगा, धड़कनों में जीतने का नशा आएगा, केवल ये शब्द देख के। कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, इस शब्द को ध्यान रखना, बाकी दोस्तों ये शब्द अपने आप संभाल लेगा। तुम्हें हर गलती से रोकने वाला शब्द है ये माँ। चलिए दोस्तों, मस्त रहना, खुश रहना, जबरदस्त रहना। कल से दोस्तों जो आपकी 5 मिनट की जो श्रृंखला है, जो शाम को मैं लाता हूं, वो कल से स्टार्ट हो जाएगी। मैं पहले भी बोल चुका हूं, इंटरनेट कनेक्शन नहीं था इसलिए नहीं ले पाया, तबीयत खराब थी दोस्तों इसलिए नहीं लाया, लेकिन कुल मिलाकर के छोड़िए सारी बातों को, कल सोमवार से दोस्तों आपके सामने सुबह 6 बजे उत्तर प्रदेश की जो कला संस्कृति है वो सब मैं आपके सामने लाने वाला हूं। इसके साथ में दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण स्थान रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है, अवध का जो इतिहास है, वो सब की सब कल आपके सामने आ जाएगा। तो आप मस्त रहना, खुश रहना, तैयारी को मजबूत करना। शाम को 7:30 बजे मिलेंगे दोस्तों, क्या शाम को 7:30 बजे मिलते हैं काव्योत्कर्ष के अंदर। आराम से दोस्तों मस्त तरीके से क्या करेंगे, मस्त तरीके से आनंद लेंगे। सर नींद उतर गई, मैं फिर कह रहा हूं आपको, आपको ये शब्द शायद हो सकता है कुछ लोगों को हल्का लगेगा, क्या क्योंकि मैं YouTube पर बोल रहा हूं ना, इसलिए हो सकता है दोस्तों मेरी बात की इतनी अहमियत ना हो आपके लिए, ये शब्द आपको हल्का लगेगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं अंत में देखना, यही शब्द तुम्हारे काम आएगा, और वो है माँ। क्या है, माँ दोस्तों। तो आज जो कमेंट बॉक्स है वो केवल उनके लिए होना चाहिए जो दोस्तों अभी वर्तमान में अपनी माँ के पास में नहीं है, या फिर दोस्तों जिनके पास में उनकी माँ नहीं है, किसी कारणवश दोस्तों वो छोड़ करके चली गई है, लेकिन यूनिवर्स में कहीं ना कहीं है। तो उनको आज आप सभी को दोस्तों बोलना है कि तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। और हाँ दोस्तों, ध्यान रखना, मस्त रहना, खुश रहना।